ये हम विरोध, आप इसे विरोध मत समझिएगा। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हैं, संगठन की विचारधारा से हैं। हम जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है कांग्रेस पार्टी द्वारा, ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा चयन गलत किया गया है। हम इस चीज़ की साफ विनय अवज्ञा करते हैं। हम जिस उक्त विधानसभा से आए हैं, विधानसभा 137 से, यहाँ पर जो टिकट दी गई है गिरिजाशंकर शर्मा जी को, इसका पूर्ण विरोध पूरा होशंगाबाद जिला करता है, क्योंकि वो एक परिवारवाद के दृष्टिकोण नज़रिए से उस टिकट को देखा जा रहा है। एक और उनका एक भाई सीतानंद शर्मा जी जो हैं वो भाजपा से टिकट लेकर आ गए, एक और कांग्रेस से टिकट लेकर आ गए और उन्हीं भाई भाइयों को लड़वा रहे हैं। अब ये है कि पूरा जो क्षेत्र है विधानसभा, वो उस परिवार का ही विरोध करती है, उनके विचारों के समर्थन में ही नहीं है कोई। तो इस प्रकार वो भाई बीजेपी से आए हैं और जो गिरिजाशंकर शर्मा जी जो आए हैं वो अभी कुछ समय पहले ही जो है वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी द्वारा ये बोला गया था, जितने भी सर्वे में हमारे वरिष्ठ नेता लोग आए थे क्षेत्र में, उन्होंने यही कहा था कि जो सर्वे होगा वो जमीनी कार्यकर्ताओं के आधार पर देखा जाएगा। वो सर्वे के आधार पर यदि चयन होना था तो हमारा मानना था कि चंद्रगोपाल मलैया जी का नाम उसमें आना था, क्योंकि पूरा अपना संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बिना किसी महत्वाकांक्षा के समर्पित कर दिया। उसके बाद जी अब हमारी यही मांग है कि वो टिकट जो है वो चेंज की जाए, बदली जाए उसे, बस हमारा यही उद्देश्य है। जी मेरा नाम ओमकार चौधरी है। हम लोग शिवनी मालवा विधानसभा 136 जरा उधर हो जाए, शिवनी मालवा विधानसभा 136 शिवनी मालवा से आए हैं। हम लोग सब कांग्रेस के जावाज साथी हैं। वहाँ पे जो प्रत्याशी दिया है वो केवल पार्षद है और बहुत बहुत ही हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम लोगों ने काफ़ी सर्वे में मेहनत करी, सर्वे में हम लोगों के नाम आए, हमारे साथी सब लोग आए हैं। तो हमारा माननीय हमारे कांग्रेस के नेतृत्व से माननीय कमलनाथ जी, माननीय खड़गे जी, माननीय सुरजेवाला जी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जहां प्रत्याशी रहता है उनके वार्ड में सर्वे करा लें कि क्या आपने योग्य प्रत्याशी को टिकट दी है। अभी समय है, वहां पे प्रत्याशी बदला जाए तो कांग्रेस जीतेगी, नहीं तो 50,000 से कांग्रेस सिवनी मालवा विधानसभा हारेगी। हमारा निवेदन है कि प्रत्याशी वहाँ बदलें और तत्काल बदलें। कमल सिंह रघुवंशी संभावित प्रत्याशी। मैं राधेश्याम पटेल सिवनी मालवा 136 से प्रत्याशी हूँ। वहाँ सिवनी मालवा में जो अभी प्रत्याशी दिया गया है वो उसका ना तो सर्वे में नाम है, ना पैनल में नाम है, ना उसका कांग्रेस में कोई विशेष योगदान है। केवल वो पार्षद है और तमाम सिवनी मालवा के कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं उनको छोड़कर एक छोटे बच्चे को जो अभी उम्र में कुल करीबन 27 साल का ही है उसको टिकट दे दी गई है। उसको चूंकि वो नगर का ही है, पार्षद है,
तो पूरे विधानसभा में लोग उसको जानते भी नहीं है। इसलिए ये सिवनी मालवा की सीट अगर 136 नहीं बदली गई तो कांग्रेस को वहाँ भारी नुकसान होगा। सिवनी मालवा साहब, मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल का और लगभग 17 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ सिवनी मालवा विधानसभा 136 में। यूथ कांग्रेस से मैंने शुरुआत करी थी मैंने, और हमारी मांग है कि जो प्रत्याशी सिवनी मालवा में उतारा गया है वो प्रत्याशी कतई भी किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है, ना जनता पसंद कर रही है ना कार्यकर्ता पसंद कर रहा है। तो हमारी तो मांग है कि प्रत्याशी बदला जाए, तभी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, अन्यथा अभी हार की पूरी संभावना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।